कौन तू आंसू, क्या हो गया ऐसा? गली में तो अपने मैं वही खड़ा हुआ था, वही भी वही थी। खाओगे क्या? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ जो गई फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होकर आई और आते मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो मैं हीटर चला के बैठी हुई हूँ। देखो और कमश हो रही है, ये देखो कमश हो रही है, कमो दिख रहा है आपको, ये कमश हो रही है और मैं हीटर चला के बैठी हुई हूँ। मैं अपने हाथ पैर सेक रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इसलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना के ले आऊँ, ठीक है, और फटाफट से चलिए फिर पार्लर। और मुझे आज साग रखा हुआ है तो पहाड़ी साग वगैरह साग बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी साग के साथ और चावल बनाऊंगी, ये सब चीज़ें बनाऊंगी मैं। तो पहले फटाफट से चाय वगैरह बना के ले आते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये सब खाना वगैरह रेडी करके फिर मिलते हैं आपसे। बहुत गर्म हो रहा है, सुषमा का दूध निकाल दिया तो मेरी चाय उबल रही है, अब देख सकते हो। तो गाइस हम अपनी चाय बना के ले आए हैं और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ अपनी। मैं नमकीन खा रही हूँ, नमकीन के साथ मैं चाय पी रही हूँ। तुम चाय पियो यार, लो नमकीन लो। मैं मोटी वाली नमकीन खा रही हूँ, मोटी वाली नमकीन। चलिए गाइस हम खाना बना लेंगे, चाय पी लेते हैं फिर हम खाना बना लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे पार्लर में। चलिए बाय, रेडी ओके, टाटा। खाओगे क्या? गाइस हम आ चुके हैं पार्लर और पार्लर आने के बाद हमने रास्ते से लिया ये कमरक और ये मैं खाने वाली हूँ। मेरे मुंह तो पानी पानी आ रहा है, खट्टा खट्टा वो पानी आ रहा है। कम देखो मुझे कैसे घूम रही है। आज गाइस हम कहाँ जाएंगे, सामान शॉपिंग करने। आज घर का सामान लेने के लिए जाएंगे हम। पहले मैं इसको काट लेती हूँ, पकड़ो फोन पकड़ो, मैं इसको काटती हूँ। वो पानी आने वाला है मेरे, बहुत तेज वाला। टुमक 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 चले टुमक, तावरे तारी तुम्हारे लिए कुछ भी कह दो गाना, क्या क्या फर्क पड़ता है। दस का एक दिया मुझे, तुमने ठग लिया। मैं ज्यादा रेंज लग रही थी उसको। ऐसे करके ऐसे लगाओ, पायलिया बोले आजा कमरक मेरे मुंह में आके बैठ जा। ये वाली तो तुम पे जाके मेरे पे खाओ ना, तुम्हें भी सेट करके दूं। बोले चूड़ी पायलिया बोले आजा कमदक मेरे मुंह में आके बैठ जा, खाऊंगी नगमा तुझे भी लगा के दूं। नहीं, मेरे गाना चला। Mm-hmm.
आ जाओ। चलो गाइस कस्टमर आ गए, बाद में बात करते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पर और आज हम मॉल नहीं जा पाए। मैंने बोला था ना हम शॉपिंग करने जाएंगे, तो आज हम नहीं जा पाए, थोड़ा कस्टमर काम चल रहा था और तो उसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। तो क्या इंशाल्लाह हम कल जाएंगे शॉपिंग करने, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे घर पे। बाय गाइस, हम आ चुके हैं पार्लर से घर और आने के बाद अब फिर से खाना खाने का मन तो कर नहीं रहा हमारा। हम बहुत कम से ही खाना बना रहे हैं आज रात में, है ना बाबू? रातों में कम से खाना बना रहे हैं ना, हाँ अश्विन? इसका भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने का, तो ना मेरा दिल कर रहा है। तो हमने सोचा कि हम एक एक गिलास दूध पी लेते हैं और जूस बना लेते हैं अभी। और ये देखो फल काट रहे हैं करिश्मा, ये अनार छील रही हैं और ये है सेब वगैरह। तो इन सबको हम काट के पहले जूस अच्छा बना लेते हैं। बता दिए सेब और टमाटर समझ रहे थे गाइस। जैसे निकालते हैं अनार वाले अनार, अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा दिखाओ, बस वो तो एक मिनट में काट देते हैं अनार वाले। मैं अनार वाला हूँ, तुम्हें तो बोला मैं अनार वाले की तरह काटूंगा। ओ बे हाँ, तुमने अनार वाले की तरह काटा है। मैं कह रही मैं भी कटवा दूँ, लाओ जल्दी जल्दी हो जाए। मैं खुद काट लूँ। तो कर कर, दूध गर्म कर दिया वैसे मैंने। कपड़े वगैरह तो चेंज कर लेते कम से कम। मशीन लगा रखी है गाइस करिश्मा ने, करिश्मा सुबह मशीन लगा के गई थी और फिर अभी तक हटाई नहीं मशीन। तो मैंने मशीन लगी हुई है तो कपड़े डाल दो अपने, मैंने फटाफट से उतार के सब डाल दिए और दूजे पहन लिए। डालते तो लगा भी देती, तो ये पैसा तुम्हारी, ये भी उतारोगे ना तो ये भी धोने में डाल दूंगी ना। मुझे कौन सा मशीन के अंदर बैठ के धोना है? नहीं धोना तो लगाने, तो मतलब बटन तो दबाना ही है, सर्फ तो डालना ही होगा। इतना भी काम नहीं होता तो उससे नहीं होता, नहीं होता। चलिए गाइस कम वो सामान काट लेगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो गाइस सामान काट लिया है हमने जूस का, अब मैं इसको पीस के फटाफट से जूस बना लेती हूँ, जूस रेडी कर लेती हूँ। और हमने दूध वगैरह भी गर्म कर लिया, तो चलो पहले जूस बना लेते हैं। तो गाइस मैंने जूस बना लिया है, मैं करिश्मा के पास लेके जा रही हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? ये देखो आराम से डोरीमोन देख रही है, कम वाला लो जूस। डोरीमोन मेरे पास रिपोर्ट लिखने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। सही है, चीनी नहीं डाली पर मैंने। सही हो रहा है। ये लो। हेलो नोबिता, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बोलो मुझसे। क्या जूस बनाया? थैंक यू बोलो। कमो का दिल खुश हो गया जूस पी के, अब मैं भी पी लेता हूँ फटफट। बड़ा मीठा जूस बना जो बात है आज का। थोड़ी देर में हम दूध पी लेंगे क्योंकि अब एक साथ सब दोनों चीजें पीएंगे तो पेट में जूस फट जाएगा। इसके साथ ही दूध में नींबू डालो तो फट जाता है ना, तो जो संतरे होते हैं जो मौसमी होते हैं वो नींबू का ही तो काम करते हैं, है ना बाबू? तो अगर हम दूध पी लेंगे उसके ऊपर तो पेट में दूध फट नहीं जाएगा, है ना बाबू? बता देना, पेट में दूध फट जाता है जूस के ऊपर दूध पी लेंगे तो। देखा मैं झूठ नहीं बोल रही, अभी हम जब दूध पियेंगे तो दिखाऊंगे। कब पहले उतरो, मुझे इधर से एक नजर। इतने रात तुझे कमल बैठा नहीं, कमल में बैठूंगा। ये अपने तकिए वहां ले जाओ ना, उधर ले जाओ कोने में, जेम सेम पोजीशन पे बैठो ना, सेम लो बस, कोई दिक्कत है क्या इसमें? गाइस हीटर सेक रहा हूँ मैं, हीटर से हाथ सेक रहा हूँ अपने। ओए 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 भूख लगी तो टैबलेट क्या तो नहीं लग रही। अभी हम थोड़ी देर में दूध पियेंगे
मैं सोच रहा हूँ कम्मा को भूख लग रही है, कम्मा मुझे कह रही मैं सीखे जी। हम दोनों ने खाना तो बनाया नहीं, मुझे नहीं लगा आज, पता नहीं दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का, खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा दोनों का ही। आज बहुत अपसेट है, हम दोनों बहुत ज्यादा अपसेट है आज। बिल्ली मैं रख तो लेती लेकिन मेरे पास पीछा नहीं, लेकिन हमारे पास चिड़ी चिड़ी बिल्ली है। चलिए गाइस हम आपसे मिलते हैं। हम सब जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आज की तबीयत खराब हो गई। और गाइस यार मेरी बहुत तबीयत खराब है, एक तो मेरी यहाँ से दर्द हो रही है, ऊपर से मुझे खांसी जुकाम हो रही है, ऊपर से देखो मुझे फीवर भी आ रहा है, चूके देख लो फीवर भी आ रहा है, और मेरी आंखें भी टूक रही हैं। और फिर डोरेमोन देख रही हो? फिर भी मेरे हाथ पैर भी टूक रहे हैं, फिर भी डोरेमोन देख रही हो? तो कुछ तबीयत खराब थी, डोरेमोन को क्या मेटर है। तो गाइस मैं तो बाद में बात कर लूँगा आपसे, चाहे तो आप चाहो तो। हाँ मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं दुकान से खा कर आया था। गाइस मैंने दूध निकाल लिया है, आप देख सकते हो ये रखा, और करिश्मा पता नहीं कहाँ चले गई नीचे, और मैंने उसे बोला था कि मुझे ना बस तो भूख वगैरह सी लग रही है हल्की फुल्की, मैंने कुछ बना लेती हूँ। वो इतने में पता नहीं उठे ही, चाबी भी उठाई और कहाँ चले गई पता नहीं, टेंशन हो रही है मुझे, इतनी रात हो रही है और 12 बजने वाले हैं टाइम पे, और 11:30 का टाइम हो रहा है गाइस, और पता नहीं 11:30 से कहाँ चले गए। मैं दिखाती हूँ, उसकी स्कूटी भी नहीं है नीचे, ये देखो गाइस करिश्मा की स्कूटी भी नहीं है। गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, पता नहीं करिश्मा कहाँ चली गई। अभी तक तो आई नहीं है, और बाहर इतना अंधेरा भी हो रहा है। देखिए गाइस करिश्मा आ चुकी है, और ही नीचे की देर में आई है। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? लाइट ऑन कर दो। क्या लेकर आई हो तुम? ये भैंस की तरह हुआ था। कहाँ गई थी तुम मुझे छोड़ के अकेली? क्यों लेने गई थी बाबू तुम? चल आई हो सुना, अंडा आमलेट लेकर आई हो मेरे लिए। गाइस कम्मू मेरे लिए अंडा आमलेट लेने गई थी। अंडा आमलेट ना आमलेट? हाँ वही आमलेट लेने गई थी मेरे लिए, तो मैं रोने लग गया था। छोरी छोरी तू रोने लग गया था? तू भूखा सोता मेरे होते हुए क्यों रोने लगा था? मैं कहाँ चली गई? रात में उठ के भाग गई। तुम्हारी किताब कहाँ जाऊँ मुझे छोड़ के? ध्यान नहीं दिया, गाड़ी की चाबी पर्स ले लिया, तो मैं कहाँ गया? फोन तू आंसू क्या हो गया ऐसा? गली में तो थे अपनी, मैं इतनी देर से वहीं खड़ा हुआ था, वहीं पे छज्जे पे टंगा हुआ था, मैं इतनी देर से खिड़की पे ही। क्यों? मैं वो कम्मू कहाँ चले गई? कम्मू कहाँ चले गई? इतनी रात हो गई और फोन भी ना, फोन वोन कुछ भी नहीं लेके गई। तो भजे थोड़े ना गावा, वो तो चौक है, तो चोर के तो न जाऊंगा। तूने तो गाइस को टाटा बाय बाय कह दिया था। मैंने देखा था, मैं चलो अभी आ जाओगी, तुम मजाक कर रही हो, चल यहीं से कुछ सामान लेने गई होगी, इतनी देर हो गई तुम्हें देखते। तो अंडा वाला मेरे लिए थोड़े ना वो करेगा, और भी तो तू इतनी रात में क्यों गई? मैं तुम्हें बोला था जाने के लिए, मुझे अच्छा लगता तू भूखी सो। मैं तो खिचड़ी बनाने जा रहा था अपने लिए, कहीं कुछ ढूंढ रहे, कहीं कुछ ढूंढने खाने के लिए।
तो कुछ ना सुन तुम्हें पूछना नहीं जा रहा तो खिचड़ी कोई बात नहीं मैं लिया है ना मुश्किल से 10 मिनट लगे बस मुझे मैं उसे मैंने कहा दो जने खड़े थे दो जनों को बना के देने लगा दे दिया कह रहे दोनों के बाद मैंने कहा उनका रहने दो कह रहा क्या हो गया मैंने कहा कि भैया आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं अकेले यहाँ पे खड़े हुए हैं मैंने कहा सबसे पहले आप मेरा ऑर्डर बनाओ कि चलो ठीक है आपका बना रहा फिर वो लोग मैंने कहा नहीं भाई इनका बना दो फिर उनने बनाया फिर दिया खिड़की पे टमा होगा इसलिए मैंने गाड़ी रोकते ऊपर देखा नहीं देखा चलो खा लो इस चलो मैं नहीं खाऊंगा वो तुम खाओ मेरे सिर में बहुत दर्द है मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा अकेले वो मैं नहीं खा सकता हूँ मेरे सर पे बहुत दुखेगा मैंने दो गोली खाई है तो अपने लिए मेरे लिए को लेकर आए स्पेशल मैं खिचड़ी बनाती तुम भी खाते मैं भी खाती नहीं बाबू मेरा पेट मैं खिचड़ी बनाने जा रही तेरे लिए नहीं भाई मुझे नहीं खाना बाबू तेरी कसम मुझे नहीं खाना है इसमें चीनी किसमें है किसी में भी नहीं क्यों चीनी में डाली डाली और चलो खा लो हरी चटनी ले आओ अच्छी वाली और प्लेट में डाल के खाओ ऐसे नहीं खाने जाओ प्लेट में डाल के लाओ घर में बर्तन नहीं है क्या बर्तन लेकर आऊंगा प्लेट हाँ ठीक है देखो कितना टाइम हो रहा है और तब वो मेरे लिए अब लेकर आई है आम ये लेकर आई रात में आमलेट भी कर बताए जाके तो मैं 11:30 बजे गई कब हम लेने के लिए गल फुस्सू राम मेरे आने से पहले रोने लगी मुझे चोल के चली गए तेली घर में मुझे डर लग रहा था मुझे चोल से चली गई मुझे लगता अकेले घर में बहुत ज्यादा मैं वहाँ पे टंगी हुई थी खिड़की पे आप लोगों को पता है मैं वहीं टंगी हुई थी मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है अभी रात में जितना रोना आ रहा था बहुत ज्यादा और इसको इसके सर में दर्द हो रहा है ये अंडा आमलेट तो खाएगी नहीं और ये मेरे लिए लेकर आई है बस और ये नहीं इसको भूख तो लग रही है मैं इसे गर्म खिचड़ी बना देता हूँ मना कर दी कमा थोड़े से खा ले चल नहीं ऊपर के ब्रेड खा ले नहीं खा लेना कैसे बना चटनी अच्छी ना है चटनी में तूने चम्मच केर लिया मैं हॉर्लिक्स से मिला अपना आमलेट सही है बढ़िया मैं कह रहा बुड्ढे अंकल बेटा ले जाओगे ना याद करोगे अगली बार में यही दिखोगी क्या हमें दिखना ना हम ना आ रहे लेने हम घर में बना लेते हैं अच्छा बोल देते पहले तो मैंने यू सोचा मैं सामान ले लूं घर में बना लूं तेरे लिए फिर मैंने कहा तू इतनी रात में मुझे बनाने नहीं देगी मैंने कहा चल हटा ले ही लूंगा बात कर और खा कप्पे शप्पे मार मेरी कम्मा मुझे बहुत पा कर दिया कैसा गाय रात में भी गई मेरे लिए स्पेशल उन्होंने देखा ना मैं मुझे भूख लग रही है तो कम्मा लेने के लिए गई मेरे लिए स्पेशल हम हैं इस घर में तुम भूखी काय को रहोगी हम ना लेकर आ सकते खाना अब वो रात में नहीं जाओगे तुम्हें मेरी कसम ऐसे रात में नहीं जाओगे तो ना होते बाहर नहीं रात में नहीं जाओगे तुम रात में नहीं जाओ कितनी रात हो गई है 11:30 बजे 12 बजने में कितना टाइम रह गया था अब भी नहीं बजे 12 नहीं मेरा मेरी कसम डाल मेरी कसम ले और ले आमलेट नहीं खाऊंगा मैं बस मेरी कसम ले वहां से पानी उठा के पी हम अपना दूध फिनिश करते हैं नगमा अपना आमलेट फिनिश करती है आमलेट फिनिश करने के बाद नगमा अपना दूध फिनिश करेगी और हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हमने इतनी रात में नगमा को अंडा ला के दे दिया आमलेट ला के दे दिया मतलब कि अब इसका पेट भर जाएगा इसके बोझ में बोझ पड़ जाएगा और गाइस मैं हूँ ये भूखी नहीं रहेगी ये दुखी नहीं होगी ठीक है ओके बाय गुड नाइट अल्लाह हाफिज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें जो आपको हमारी रेसिपी पसंद आए हमसे कुछ पूछना चाहे हमसे कुछ कहना चाहे
ओनली कमेंट. बाय गाइस, बाय बाय गाइस. Thank you.